आने वाली 15 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बारे में विशेष जानकारी देते हुए राज्यसभा सांसद व हरियाणा भाजपा के प्रभारी अनिल जैन ने कहा है कि 2014 में भाजपा जिस प्रकार से 4 सीटों से 47 पर पहुंची थी, वह संख्या अब की बार 75 होने वाली है। इस बार ऐसी स्थिति बनी हुई है कि विरोधी कहीं भी यह नहीं कह सकते कि उनकी सीट आ रही है या नहीं। हमने सब कार्यकर्ताओं से बात करी है। पहली रैली है कि बल्लभगढ़ में 14 तारीख को, 15 तारीख को सुबह दादरी में है और दोपहर में कुरुक्षेत्र में है और 18 तारीख को दोपहर में हिसार में है। अभी तक हमको 4 उनके कार्यक्रम की अनुमति मिली है। हमने उनसे रिक्वेस्ट ज्यादा की लेकिन 4 की अनुमति मिली है और ऐसे 4 कार्यक्रम चारों दिशाओं में इस प्रकार से करना चाहते हैं जिससे सारा हरियाणा इससे चार्ज हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से आप सबको ध्यान में ही है कि पूरे हरियाणा में जिस प्रकार जहाँ कहीं कोई आशा नहीं देखता था, प्रचार की 47 हुई और आज तो प्रधानमंत्री जी का नाम काम, मुख्यमंत्री जी का नाम काम, इतनी सारी चीज जुड़ी है, तब ऐसी स्थिति बनी है कि अब विरोधी भी ये दावा नहीं कर सकते कि उनकी कहीं कोई सीट पर आ भी रही है कि नहीं। अर्थ प्रकाश के लिए कुरुक्षेत्र से कलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।